बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन फकीहन के कोर्स में ये जो घंटी है ये अरबिक लिटरेचर की है, अरबी अदब। चूँकि तलबा की अक्सरियत नहीं है, इसलिए नए लोगों का एतबार करते हुए कुछ इब्तदाई बातें पेश की जाएंगी। जबकि अपना जो सिलेबस था, अपना जो कोर्स था, पुराने बच्चों के अतबार से हम लोग किताब की दूसरी जिल्द पढ़ रहे थे, यानी दुरुस्तुल लुगातिल अरबिया हिस्सा दोम पढ़ रहे थे। लेकिन नए लोगों की रियायत में हिस्सा अव्वल शुरू करेंगे और कुछ बुनियादी बातें बताने के बाद इंशाल्लाह फिर दूसरे हिस्से पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें मैं बताता हूँ, उसको आप लोग बगौर समाध फरमाएं, और अगर कोई इश्काल हो, कोई बात हो तो बिला तकल्लुफ उसको पूछ लें। इंसान अपने मुंह से आवाज़ की सूरत में जो कुछ भी निकालता है उसको बोलते हैं लफ्ज़। लफ्ज़ुन का माना होता है फेंकना, बाहर कर देना, निकाल देना। इंसान अपने मुंह से, अपनी ज़बान से आवाज़ की सूरत में, आवाज़ की शक्ल में जो कुछ भी बाहर निकाल दे उसको बोलते हैं लफ्ज़। लाम फा स्वा ज़ो लफ्ज़, जो कुछ भी इंसान ने अपने मुंह से निकाला उसको बोल दिया हमने लफ्ज़। अब हमारे बोलने में, गुफ्तगू करने में दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। ऐसे भी अल्फाज आते हैं कि जिनके कुछ मानी और मतलब होते हैं, इसके बरखिलाफ कुछ ऐसे अल्फाज भी हम इस्तेमाल करते हैं कि जिसका माना नहीं होता लेकिन हम बोलते हैं, और ये चीज़ हर ज़बान में है। जैसे हमने कहा किताब विताब, किताब के साथ में हमने विताब भी लगा दिया, सुनने वाला भी विताब पर तवज्जो नहीं दे रहा है, वो समझ रहा है कि आप किताब बोलना चाहते हो, लेकिन बोलने में हम बोल जाते हैं किताब विताब। तो ऐसे ही अरबी में भी है। तो कहते हैं कि इंसान के मुंह से दोनों तरह की आवाज़ें आती हैं, दोनों तरह के अल्फाज निकलते हैं। इतिबा समझ आई? इंसान जो अपने मुँह से आवाज़ निकालता है वो आवाज़ या तो उसके अंदर माना है या तो माना नहीं है। जैसे मैंने मिसाल दी है किताब विताब। किताब किसी ने कहा तो आप समझ गए कि बुक की बात की जा रही है। विताब जो हमने कहा उसका कोई माना मतलब नहीं है, लेकिन ये भी हम समझ रहे हैं कि किताब के साथ में इसको हम लोग ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिसका कुछ माना मतलब ना हो उसको अरबी में बोलते हैं मुहमल। जिस लफ्ज़ का इंसान अपने मुंह से जो आवाज़ निकाल दे और उस आवाज़ का कोई माना मतलब ना हो उसको हम बोलते हैं मुहमल। मीम हा और मीम लम, मुहमल। मुहमल का माना ही होता है बेकार, छोड़ा हुआ, यूं ही बोल दिया, यूं ही छोड़ दिया, उसका माना ही होता है बेकार। मुहमल, मुहमलुन, मुहमल। मीम और हा, मीम और लाम, हा नहीं हा। तो ये हो गया मुहमल। मुहमल से मैंने शुरुआत इसलिए की है कि मुहमल का माना उसकी तारीफ बता दिया, यहीं पे उसको छोड़ देना है। जो छोड़ने वाली चीज़ है उसको वहीं छोड़ देते हैं। मुहमल के माने बेकार, छोड़ दी जाने वाली चीज़, तो इसको यहीं मुख्तसर में छोड़ दिया हमने। इंसान अपने मुँह से दूसरे जो अल्फाज निकालता है जिसका कुछ माना मतलब होता है, हमने बताया कि इंसान अपने मुंह से जो आवाज़ निकालता है वो आवाज़ माना मतलब रखे या ना रखे उसको हम बोलते हैं लफ्ज़। अब उसके बाद लफ्ज़ की फिर दो किस्में, उन दो किस्मों में से दूसरी किस्म है मुहमल, यानी ऐसे अल्फाज
कि जिसको इंसान ने अपने मुंह से अदा कर दिया उसका कोई माना मतलब नहीं है, तो उसको नाम दे दिया गया है मुहम्मल, मुहम्मल यानी बेकार छोड़ा हुआ। पहली जो किस्म है वो है कलिमा, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। कलिमा और वर्ड ये एक ही चीज़ है, सिर्फ अरबी और इंग्लिश का नाम अलग अलग है। तो जो हमने कहा कलिमा, तो अब कलिमा से बात समझ में आ जानी चाहिए कि कलिमा कहते हैं इंसान के मुंह से निकली हुई मानेदार बात को हम कलिमा बोलते हैं। इंसान ने अपने मुंह से कोई चीज़ निकाली, अगर उसका माना मतलब नहीं है तो वो हो गया मुहम्मल, और अगर माना मतलब है तो वो हो गया कलिमा यानी वर्ड। अब फिर कलिमा की भी तीन किस्में होती हैं। इंसान अपने मुंह से जो बातें निकालता है, जो गुफ्तगू करता है, उसकी गुफ्तगू में, उसके जुमलों में तीन तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जो कलिमे होते हैं वो तीन तरह के इस्तेमाल होते हैं जो मानेदार गुफ्तगू है उसकी बात। नंबर एक इस्म, नंबर दो फेल, और नंबर तीन हर्फ। पता ये चला कि इंसान अपने मुंह से जो मानेदार गुफ्तगू करता है उसकी तीन किस्में हो गईं। जो बेमाना गुफ्तगू थी वो तो हमने छोड़ ही दिया है, छोड़ देना ही बेहतर था क्योंकि वो छोड़ने वाली चीज़ थी ही। जैसे मैंने कहा किताब विताब, किताब मुहम्मल है, इसका कोई माना मतलब नहीं है, लेकिन किताब जो हमने कहा उसका माना मतलब है। किसी ने कहा किताब तो हम समझ गए कि किसकी बात कर रहा है, विताब किसी ने कहा तो हमने समझ लिया कि कोई माना मतलब नहीं है, बस लफ्ज़ किताब के साथ में इसको हमने जोड़ दिया है। तो अब जो गुफ्तगू इंसान के मुंह से निकले हुए वो अल्फाज जो माना मतलब रखते हैं उनको तकसीम किया गया तीन हिस्सों में, नंबर एक इस्म, नंबर दो फेल, और नंबर तीन हर्फ। इस्म यानी नाउन, फेल यानी वर्ब, और हर्फ यानी प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जो भी हरूफ आते हैं इंग्लिश में भी, है ना, पार्ट ऑफ जो स्पीच होते हैं, गुफ्तगू के जो अज्जा होते हैं उन अज्जा में भी, है ना, नाउन और ये वर्ब और प्रीपोजिशन वगैरह होते हैं। तो ये तीन किस्में हो गई कलिमा की, यानी मानेदार जो गुफ्तगू है उसकी तीन किस्में हो गई। अब यहाँ तक अगर कोई बात किसको समझ में ना आई हो तो वो बिला तकल्लुफ पूछ ले, ख़ासतौर से नए लोग, ताकि जो कुछ भी आगे पढ़ें तो समझ समझ के पढ़ते रहें। जी, हर्फ यानी जो मिलाने के लिए आता है उसको बोलते हैं हर्फ कहते हैं। अभी तीनों की तारीफ बता रहा हूँ, तीनों की तारीफ भी बता रहा हूँ, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर आगे चलें। लफ्ज़ ये वाहिद है और अल्फाज जमा है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। जैसे हमने कहा इस्म तो ये वाहिद, और अस्मा हमने कह दिया तो ये जमा हो गया, तो लफ्ज़ और अल्फाज सिर्फ वाहिद और जमा की बात है। तो इतनी बात गोया कि समझ में आ गई है, समझ गए। अब कह जी जी हाँ, फैजान भाई ने पूछा था ना कि हा है, मैंने कहा नहीं हा नहीं है, हा है, हा जी हाँ, समझने के लिए छोटा ही बोल दे, हालांकि उस तरह से बोलना भी सही नहीं रहता है। एक को हम सीन बोलते हैं और एक को शीन बोलते हैं, बजाय इसके कि कहें छोटी सीन और बड़ी सीन, छोटी सीन और बड़ी सीन कहने के बजाय सही क्या रहता है कि एक सीन है और एक शीन है, ऐसे हम बोलते हैं। एक को काफ बोलते हैं और एक को काफ बोलते हैं, हालांकि बच्चों को पढ़ाते हैं लोग छोटा काफ और बड़ा काफ ऐसा पढ़ाते हैं बच्चों को समझाने के लिए, तो छोटा काफ बड़ा काफ ना बोल करके अगर ये कहा जाए कि एक काफ है और एक काफ है तो ज़्यादा सही है, सीन और शीन कहा जाए तो ज़्यादा सही है, बजाय इसके कि छोटी सीन और बड़ी सीन कहा जाए। अब
तो एक हा है, मीम हा, मीम लाम, ये तीन किस्म अगर हम समझ लें, आप कहते हैं बड़ी हा होती कि उसको वर्ड की तीन किस्में हो गई, कलिमा के तीन किस्में हो गई, इस्म फेल और हर्फ। तो कहते हैं इस्म किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। तो इस्म कहते हैं नाम को जिससे किसी आदमी, जानवर, चीज़, जगह का नाम समझ में आए। सिफात को भी इस्म बोलते हैं, सिफात को यानी एडजेक्टिव को भी। इंग्लिश में नाउन अलग है, प्रोनाउन अलग है ना, नाउन अलग, प्रोनाउन अलग, लेकिन इंग्लिश में ऐसा, अरबी में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में पूरी अरबी किताब या पूरी अरबी ग्रामर बस इन्हीं तीन पर है। वो तीन कौन कौन है, इस्म, फेल और हर्फ। इंग्लिश में क्या है, नाउन अलग है, प्रोनाउन अलग है, एडजेक्टिव अलग है, एडवर्ब अलग है, सब अलग अलग है ना। लेकिन यहाँ पर, वहाँ पर आठ किस्में हैं इंग्लिश में और यहाँ पर सिर्फ तीन किस्में हैं। उन्हीं तीन किस्मों में अरबी की पूरे कवायद हैं, अरबी की पूरी ज़ुबान है, इस्म, फेल और हर्फ। अब जैसे हमने कहा जमीलुन, सालिहुन है ना, जमीलुन और सालिहुन, जमील के माने खूबसूरत, सालिहुन के माने नेक। तो ये नेक और ये खूबसूरत है, अगर इंग्लिश में जाएंगे तो वहाँ दे देंगे अलग से नाम, वहाँ बोल देंगे एडजेक्टिव है ये, लेकिन अरबी में एडजेक्टिव और नाउन दोनों आपस में मिल करके उनका नाम दिया गया नाउन। यानी खुलासे के तौर पर ये समझें कि अरबी में बस यही तीन ही किस्में हैं, इस्म, फेल और हर्फ, जबकि इंग्लिश में आठ हैं। तो अब इस्म किसे कहते हैं, इस्म कहते हैं जिससे किसी आदमी, जानवर, चीज़, जगह का नाम मालूम हो, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी मालूम हों। फेल किसे कहते हैं, फेल यानी वर्ब, जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो, और तीनों ज़मानों में से कोई ना कोई ज़माना भी इसमें पाया जाए, शामिल रहे। जैसे किसी ने कहा ज़हाबा, तो हम समझ गए कि गया, ज़हाबा यानी वो गया, यानी वेंट है ना। तो इस काम भी समझ में आया, किसी आदमी के किसी काम करने की खबर दी गई, वो चले गया, हमने कहा वो सो गया है ना, तो हम बोलेंगे ही स्लेप्ट, वो सो गया। स्लेप्ट ये वर्ब है, ये फेल है। कैसे हमने समझा, इसके ज़रिए से किसी काम के होने की खबर दी गई है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें कोई ना कोई ज़माना भी पाया गया, ज़माना यानी टेंस जी, कोई ना कोई ज़माना भी इसमें पाया गया, जबकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें हमने कहा किताबुन, कलमुन, तिलमीज़ुन, सिर्फ एक नाम मालूम हो रहा है। हमने कहा किताबुन यानी बुक, हमने कहा कलमुन यानी पेन, सिर्फ एक नाम मालूम हो रहा है। तो जब नाम मालूम हो रहा है तो उसका, तो वो हो गया इस्म यानी नाउन। और अगर किसी काम का करना या होना समझ में आए, साथ ही साथ तीनों ज़मानों में से, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में से कोई ना कोई ज़माना भी पाया जाए, तो हम कहेंगे ये वर्ब है, ये फेल है। दो हो गया। नंबर तीन, हर्फ। हर्फ कहते हैं कि वो कलिमा जो अपना माना खुद से वाज़ेह ना करे, अपना माना खुद से वाज़ेह ना करे, बल्कि किसी कलिमे के साथ मिल करके अपना माना वाज़ेह करे। हर्फ कहते हैं वो कलिमा जो अपना माना खुद से वाज़ेह ना करे, बल्कि किसी दूसरे कलिमे के साथ मिलने के बाद ही अपना माना वाज़ेह कर सके। जैसे अरबी में फ़ी, अला, मिन, हालांकि हर एक का अपना अपना माना है, जितने भी हरूफ हैं अपना माना अपने साथ में लिए रहते हैं,
लेकिन अपना माना वाज़े नहीं कर पाते। जैसे मैंने मिसाल दी फ़ी, फ़ी के माने होते हैं में, माना इसका है। हमने कहा अला, अला के माने पर, इसका भी माना है। मिन, मिन माने से यानी फ्रॉम, इसका भी माना है। माना सबका है लेकिन इनका माना, ये अपना माना खुद से वाज़े नहीं करते जब तक कि किसी दूसरे कलमे के साथ में मिल न जाए। अब अगर इनको हम किसी कलमे के साथ मिला देते हैं, जैसे हमने सबसे पहले कहा फ़ी में यानी इन का माना, फ़ी यानी इन, हमने कहा फ़ी यानी में। अब मैंने कहा कि फिल बैती, तो अब कुछ समझ में आ गया कि घर में। और अगर हम सिर्फ फ़ी फ़ी बोलते रहेंगे तो कोई बात वाज़े नहीं हो रही है। बहुत सारी जगहों पर सवाल करने वाले ने सवाल किया और हमने इतने कह दिया फिल बैती, फिल मस्जिदी, तो सामने वाला समझ गया। लेकिन अगर हम सिर्फ फ़ी बोलेंगे तो कोई माना मतलब समझ में नहीं आएगा, जबकि इनका अपना माना ज़रूर है लेकिन माना क्लियर नहीं होता जब तक कि इनको हम किसी कलमे के साथ में मिला ना दें। इतनी बात समझ आई? तो अब गोया कि हमने इस्म के बारे में समझ लिया, फ़ेल के बारे में समझ लिया और हर्फ के बारे में भी समझ लिया। अब कहते हैं कि हम कैसे समझें कि ये इस्म है, कैसे हमें समझ में आए कि ये इस्म है, और इस्म रहेगा तो कैसा रहेगा। तो कहते हैं कि इस्म अगर है तो उस पर अलिफ लाम दाखिल होगा, इस्म रहेगा तो अलिफ लाम दाखिल रहेगा। अगर अलिफ लाम दाखिल नहीं है तो तनवीन होगी। नंबर एक, अलिफ लाम दाखिल होगा, और नंबर दो, अलिफ लाम अगर नहीं है तो तनवीन होगी, है ना। नंबर तीन, उस पर कसरा भी आ सकता है, अगर कसरा आ गया है तो समझ जाए कि ये इस्म है, इस्म इस्म। नंबर एक जी, हाँ हाँ, एराब तो आखिर को बोलते हैं, एराब बोलते किसको हैं, आखिर को, और उसी का लिहाज किया जाता है। एराब बोलते किसको हैं, इस्म के आखिर की वो तब्दीली जिससे हालात का पता चले उसी को एराब बोलते हैं। हमने कहा अल कलमू, अल कलमू, तो काफ पर भी कुछ लगा हुआ है, लाम पर भी कुछ लगा है और मीम पर भी लगा हुआ है। हरकत तो सभी हैं, काफ पर फतहा है जिसको ज़बर बोलते हैं, लाम पर भी ज़बर है, ज़बर है, और मीम पर पेश। कहते हैं काफ पर और लाम पर जो लगा हुआ है जिसको हम हरकत बोलते हैं, यहाँ पर भी एराब लगाना रहता है, लेकिन असल इबारत, असल एराब जो आखिर वाला होता है उसी का एतबार होता है, क्योंकि एराब की तब्दीली ही से एक इस्म कभी सब्जेक्ट बन जाता है और कभी ऑब्जेक्ट बन जाता है और कभी पॉसेसिव केस में चला जाता है जी। नए लोग हैं, तो मैं ये कह रहा था कि असल एराब उसी को बोलते हैं। एराब की तारीफ की जाती है कि इस्म के आखिर की वो तब्दीली जिससे हालात का पता चले, इस्म के आखिर की वो तब्दीली जिससे हालात का पता चले उसी को बोलते हैं हम एराब। अब हमने कहा अल कलमू, मीम के ऊपर जम्मा आ गया। हमने कहा अल कलमा, मीम के नीचे कसरा है, मीम के ऊपर फतहा है, और हमने कहा अल कलमी, तो मीम के नीचे कसरा है। ये फतहा, कसरा और ये जम्मा जो मीम के ऊपर आ रहे हैं, असल एराब यही हैं। और इसमें जो गलती की जाएगी उस गलती से माना कुछ से कुछ हो जाएगा जी। वही तो बता रहा हूँ, इस्म के आखिर में जो तब्दीली होती है
एक तब्दीली ये कि हमने कहा अल कलामू, मीम पर हमने पेश कर दिया, फिर हमने कहा अल कलामा, काफ पर ज़बर है, लाम पर ज़बर है और मीम पर भी ज़बर हो गया। तो ये हो गया अल कलामा। हमने कहा अल कलामी, काफ पर ज़बर, लाम पर ज़बर और मीम के नीचे ज़ेर। काफ पर और लाम पर जो एराब लगा हुआ है, जो हरकत लगी हुई है, उसमें अगर हमने थोड़ी गलती कर दी तो हम कहेंगे कि प्रोनाउंसिएशन की गलती है। सिर्फ इतनी बड़ी, इतनी गलती है कि आपने प्रोनाउंसिएशन सही से अदा नहीं किया, सिर्फ इतनी गलती है। अल कलमों को अगर हमने कह दिया अल कलम, कलम लाम पर हमने जज़्म दे दिया, साकिन दे दिया, तो भी माना मतलब में कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ इतना ही होगा कि आपने उसके तलफ़ुज़ की अदायगी ठीक से नहीं की है। लेकिन अगर आपने अल कलमों को अगर आपने अल कलमा कर दिया तो बसा औकात तो हमारे मुंह से कुफरी अल्फाज भी निकल गए, ऐसा भी हो सकता है। हमने कहा कि खलकल्लाहु, यहाँ पर लाह के आखिर में क्या है, पेश। तो ये जब पेश है तो ये सब्जेक्टिव है यानी फ़ाइल। हमने अगर कह दिया खलकल्लाह तो ये अल्लाह पर ज़बर आ गया, तो ये सब्जेक्टिव नहीं रह गया, अभी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो पता चला नौज़ बिल्लाह कि हमने अल्लाह ताला को खालिक बनाने के बजाय अल्लाह ताला को हमने मखलूक बना दिया, है ना। तो नौज़ बिल्लाह इसलिए कहता हूँ कि एराब असल किसे कहते हैं, आखिर वाले हर्फ पर जो तब्दीली आती है उसी तब्दीली को हम एराब कहते हैं। उसके पहले पहले जितने भी हरूफ आए हैं उन पर भी हरकतें लगी हुई हैं, कहीं पर फतहा है, ज़बर है, कहीं पर ज़ेर है, कहीं पर पेश है, वहाँ पर भी हरकतें लगी हुई हैं। अगर वहाँ हमने गलती की है तो वो गलती सिर्फ इतनी होगी कि हमने प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ हमने ठीक से अदा नहीं किया है, बस इतनी गलती होगी। लेकिन अगर हमने आखिर वाले में गड़बड़ कर दिया, भाई जानते तो हमने किया नहीं लेकिन हमने जो कर दिया गलती, तो वो गलती से माना कुछ से कुछ हो गया, जो अभी तक सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट। तो हमें खुसूसी ध्यान उसी पर देना है। एराब कहते ही उसी को हैं कि इस्म के आखिर की वो तब्दीली जिससे हालात का पता चले। अब हालतें कौन कौन सी हैं, हालतें तीन हैं। जैसा कि एराब से आप जानते हैं, एराब से आपको पता है कि एक ज़बर है, एक ज़ेर है और एक पेश है। तो ये हालतें हो गई। कहते हैं कि इस्म पर तीनों हालतें आती हैं। अगर पेश रहे तो पेश को हम अरबी में बोलते हैं रफ़, अगर ज़बर रहे तो उसको बोलते हैं हम नस्ब, और अगर ज़ेर रहे तो उसको बोलते हैं हम जर। तो कहते हैं कि कौन सा इस्म कब किस हालत में होगा। नए लोगों को अगर कुछ दिक्कत पेश आ रही होगी तो बीच बीच में पूछें, ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे तो अभी शुरुआत है, अभी थोड़ा सा गहरा गुजर रहा होगा, लेकिन दो चार हफ्ते आते रहेंगे और समझ लेंगे तो फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। इसलिए ना समझी हुई बात ना छोड़ें। इल्म कहते ही उसी को हैं, इल्मन के माने जानना, सीखना। अब अगर उस्ताद ने कोई बात बता दी और हमने समझा भी नहीं, पूछा भी नहीं, तो गोया कि उस बात के तहीं हम आलिम नहीं बने, उस बात को हम जानने वाले नहीं बने, बल्कि उस बात को, चाहे वो बात एक ही हो या एक जुमला हो या एक पूरा पैराग्राफ हो, अगर उसको हमने नहीं समझा ना पूछा, छोड़ दिया इसे हमने, तो गोया कि उतनी इबारत उतने पैराग्राफ की हम जानने वाले नहीं बने, गोया उसके हम जाहिल बने। इसलिए जितना भी पढ़ते चलें अपने अपने तौर पर, जिसने समझा है समझा है, हमने नहीं समझा पूछ लेते हैं, है ना, जिसने भी ना समझा हो वो पूछ लिया कर। कहते हैं कि इस्म की अलामतों में से है, पहचान में से हम कैसे समझेंगे कि ये इस्म है, है ना, जुमले में वो आया हुआ है, सेंटेंस में आया हुआ है, तो हम कैसे समझेंगे ये इस्म है, कैसे समझेंगे कि ये फेल है, है ना। अभी तो हमको माना मतलब समझ में नहीं आता है, लिखा हुआ है हमने देख लिया, तो जब माना मतलब समझेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अत्तिलमीज़ यानी शागिर्द, यहाँ पर अल लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ अत्तावीला तो यानी मेज़,
तो जब तावेला का माना हम मेज समझेंगे तो समझ जाएंगे कि ये इस्म है ना। माना समझ गए तो समझ जाएंगे ना कि ये इस्म की फेल है कि नहीं समझेंगे। समझ जाएंगे जब माना आ गया, समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? समझेंगे ऐसे कि किसी भी कलिमे का माना अगर बता दिया गया, जैसे मैंने एक मिसाल दी है अत्ताविलतु, तो अब यहाँ पर अभी शुबहा है कि ये नाउन है या वर्ब है, इस्म है या फेल है, अभी शुबहा है हमको। जब माना बता दिया गया कि अत्ताविला यानी टेबल मेज़, तो अब नाउन की इस्म की जो तारीफ बताई गई थी उस तारीफ की रोशनी में हम समझ लेंगे कि बताया गया था कि जिससे किसी चीज़ का, जिससे किसी आदमी का, किसी जानवर का, किसी जगह का नाम मालूम हो, नाम मालूम हो तो वह इस्म है। तो हमने समझ लिया कि एक चीज़ है जिस पर हम किताब रख के बैठ के पढ़ते हैं, तो चीज़ का ये नाम है ना, चीज़ का ये नाम है जिसको हम इंग्लिश में टेबल, उर्दू में मेज़ बोलते हैं, उसी का नाम अरबी में अत्ताविला है। तो हम समझ गए कि इस्म है, लेकिन जब तक नाम नहीं मालूम, माना नहीं मालूम हो रहा है, तब तक हम कैसे समझेंगे? तब तक समझने के लिए कहा गया है कि नंबर एक, अगर अलिफ लाम दाखिल हो तो वो इस्म है। अब अत्ताविला तो हमको माना भी नहीं मालूम, अत्ताविला के माने क्या होते हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन इस पर अलिफ और लाम दाखिल है शुरू में, तो अलिफ और लाम एक अलामत है कि ये इस्म है। माना जब जानेंगे तब जानेंगे, माना जानेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन माना जाने बगैर भी हमने समझ लिया कि ये अत्ताविला तो ये है, इस्म है, नाउन है। अब अत्ताविला का माना तो मैंने बता दिया। अशुबाक, शुबाक के माना जानते नए लोग? अशुबाक नहीं जानते ना, नए लोगों को अशुबाक का माना नहीं मालूम, लेकिन क्या वो ये समझ सकते हैं कि ये इस्म है कि फेल है? समझ सकते हैं ना? नए लोग भी बताएं, नए लोग समझ सकते हैं? अभी जैसे मैंने बताया कि वो कलिमा जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो वो इस्म है जी। वो नकेरा जब रहेगा, कॉमन जब रहेगा, तब उसके अंदर फिर माना आता है। यहाँ पर वाहिद और जमा की बात नहीं है, वाहिद पर भी अलिफ लाम आता है और जमा पर भी अलिफ लाम आता है। हमने कहा अशुबाकु, मुझे लगता है कि नए लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इस्म है कि फेल है। समझ गए हैं ना? अच्छा, तो वो तो कुरान में भी पढ़ते हैं ना। हाँ, तो जो हरूफ शमसी होते हैं, उन हरूफ को लाम बीच में छोड़ करके लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है, उसको हम मिला करके पढ़ देते हैं। लिखा कैसे जाएगा? अलिफ लाम शीन बा अलिफ और काफ, ऐसा लिखा जाएगा। यानी कि अशुबा को लिखते हैं, बोलते हैं हम, लेकिन शीन से पहले लाम मौजूद है। जैसे मैंने कहा अल कलमु, तो यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि हमने अलिफ को मिला दिया, किससे? लाम से मिला दिया, तो ये हो गया अल कलमु, तो यहाँ पर वाज़े है। तो चाहे अल कलमु हो या अशुबाको हो, जब तक माना नहीं मालूम है तब तक भी हम क्लियर कर सकते हैं कि ये इस्म है या फेल। नए लोगों में से बताएं कि कैसे हम समझेंगे ये इसमें की फेल है जी, आप बताएं। अलिफ लाम है ना, माना जब समझेंगे तब समझेंगे। कुछ अलामतें बता दी गई हैं कि अगर हमको माना नहीं मालूम तो भी हम समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर इस्म है। तो एक अलामत गोया कि हम समझ लिए हैं कि अगर किसी कलमे पर अलिफ लाम दाखिल हो तो वो कलिमा इस्म है। जैसे मिसाल में अल कलमो हमने कहा, यह भी इस्म है, और हमने कहा अशुबाको, वो भी इस्म है। अल कुर्रासतु यानी नोटबुक, वो भी इस्म है। माना जब समझेंगे तब। शुबाक के माने होते हैं खिड़की माना हमने समझा, लेकिन माना समझने से पहले ही हमने समझ लिया था कि यहाँ पर ये इस्म है क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है। तो एक अलामत ये हो गई कि अलिफ लाम अगर दाखिल है तो वो इस्म होगा। दूसरी अलामत क्या है?
اسم کے آخر میں اگر تنوین ہے, اسم کے آخر میں اگر تنوین ہے اس تنوین سے بھی ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے. جیسے میں نے کہا قلم کتاب شباک ہے نا, قمر صالح, ہر ایک کے آخر میں تنوین ہے. ہاں تنوین سمجھتے ہیں نا, جی دو زبر, جی اس کو بولتے ہیں تنوین. تو جس کلمہ کے آخر میں تنوین ہے تو وہ بھی ایک علامت ہے کہ یہ اسم ہے. جس کلمہ کے آخر میں کسرہ ہے, یعنی جو کلمہ حالت جر میں ہے وہ بھی اسم ہے, وہ ایک علامت ہے. حالت جر میں ہے تو وہ بھی ایک علامت ہے. مضاف الیہ جو رہے گا وہ, جی ایک علامت اور ہے اضافت, اگر اضافت ہے تو وہ بھی اسم کی علامت ہے. ابھی دو سمجھ لیا آپ نے ہے نا, جب مرکب اضافی کی گفتگو ہوگی تو وہاں پر بھی اور اس کو واضح کریں گے. اب کہتے ہیں ہم نے اسم کو سمجھ لیا. اب اسم کی بہت سارے اعتبار سے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, جیسے انگلش میں بھی ہے, ہر زبان میں رہتا ہے کہ ناؤن کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. جینڈر کے اعتبار سے بھی قسم ہے نا, جینڈر کے اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں. سنگولر اور پلورل ہونے کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں, ہے نا. کامن اور پراپر ہونے کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ نوعیت بدلتی ہے تو اس سے قسمیں بدل جاتی ہیں. کہتے ہیں اس اعتبار سے اگر کوئی پوچھے ہم سے کہ ناؤن کی کتنی قسمیں ہیں, ناؤن کی کتنے قسمیں ہیں, تو ہمارے لیے سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا, بلکہ ہم سوال کرنے والے سے ہی خود کہیں گے کہ بھائی آپ اپنا سوال ذرا کلیئر کر دو, کیونکہ ناؤن کی تو بہت ساری قسمیں ہیں, اب ہم آپ کو ہم کون سی قسم بتا دیں. اب اگر وہ بول دیتا ہے جینڈر کے اعتبار سے تو ہم کہیں گے ہاں ابھی آپ کا سوال صحیح ہے, آپ نے اتنا کہہ دیا جینڈر کے اعتبار سے تو ہم کہیں گے بھائی چار قسمیں ہیں, ہے نا. اگر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ ناؤن کی قسم کتنی ہے تو ہم کہیں گے نوعیت بتا دو, اعتبار بتا دو, کس لحاظ سے پوچھ رہے ہو آپ تو بتا دیں گے ہم. اب جینڈر والا تو میں نے بتا دیا. عدد کے اعتبار سے اگر پوچھے سامنے والا کہ ناؤن کی کتنی قسم ہے, عدد کے اعتبار سے کتنی ہے, تو ہم بتا دیں گے بھائی سنگولر اور پلورل ہے. لیکن ایسے ہی اگر عمومی سوال کرے گا سوال کرنے والا کہ ناؤن کی کتنی قسمیں ہیں, تو ہم کہیں بھائی سوال ادھورا آپ کا ہے. جب تک آپ کا سوال کلیئر نہیں ہوگا تب تک ہمارا جواب بہت وسیع ہو جائے گا, ہم سوچ سوچ کے بتاتے رہیں گے آپ کو, یہ بھی لکھ لو یہ بھی قسم ہے, یہ بھی لکھ لو یہ بھی قسم ہے, ہے نا. جتنا دماغ میں آتے جائے گا بولتے جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ چاہ رہے وہ چھوٹ بھی جائے اتفاق سے. تو جب آپ کا سوال کلیئر ہوگا کہ اس اعتبار سے ناؤن کی کتنی قسمیں ہیں, تو ہم بتا دیں گے ناؤن کی اتنی قسمیں ہیں. ایسے ہی عربی میں بھی ہے. اب عربی میں جینڈر کے اعتبار سے دو قسمیں, مذکر اور مؤنث, ایک میسکولین اور ایک فیمنین جینڈر. ایسے ہی عدد کے اعتبار سے بولیں گے, عدد کے اعتبار سے بولیں گے تو ہم کہیں گے عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں, واحد, تثنیہ اور ایک جمع. عدد عدد عین دال دال, عدد نمبر کے اعتبار سے. اگر نمبر کے اعتبار سے کوئی پوچھتا ہے کہ اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو ہم کہیں گے تین ہیں. جی جی عربی کے لحاظ سے انگلش زبان جو ہے کئی گنا آسان ہے, چاہے اس کو آسان کہہ لیں یا شارٹ کٹ کہہ لیں, آسان بھی ہے شارٹ کٹ بھی ہے. اور عربی میں عربی زبان آسان ہے, اس میں قواعد ہیں, لیکن اگر سمجھ سمجھ کے چلیں گے تو مزہ بھی آئے گا.
और यहाँ पर जो कुछ बोला जाएगा एकदम परफेक्ट रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने लफ्ज़ यू को ले लिया, यू, तो यू में बहुत सारे शामिल हो गए, है ना, यू में बहुत सारे शामिल हो गए, वाहिद भी है, तस्निया भी है। तस्निया बोलते हैं दो को, नए लोग जान लें, तस्निया बोलते हैं जिससे दो के बारे में पता चले, दो के बारे में, जबकि इंग्लिश में क्या है, या तो वाहिद सिंगुलर और या तो प्लूरल। अरबी में क्या है, वाहिद अलग, तस्निया अलग और जमा अलग, यानी वाहिद जिससे एक के बारे में मालूम हो, तस्निया जिससे दो के बारे में मालूम हो, और जमा जिससे तीन या तीन से ज़्यादा के बारे में मालूम हो। जबकि इंग्लिश में क्या है, एक है तो वाहिद सिंगुलर और एक के अलावा है तो वो प्लूरल। तो ये फ़र्क हो गया। तो कहते हैं कि अदद के अतबार से, अदद के अतबार से इस्म की तीन किस्में हो गई, वाहिद, तस्निया और जमा। वाहिद कहते हैं जिससे एक के बारे में मालूम हो, और तस्निया कहते हैं जिससे दो के बारे में मालूम हो, जमा कहते हैं जिससे तीन या तीन से ज़्यादा के बारे में मालूम हो। इतनी बात समझ में आई। अब कहते हैं कि इस्म की और बहुत सारी किस्में हैं, जैसे इंग्लिश में मैंने बताया कि जब एतबार बदलेंगे तो किस्में बदल जाती हैं, इस एतबार से तो ये किस्में, इस एतबार से तो ये किस्में। अब हमने कहा अदद के एतबार से, तो हमने बता दिया भाई तीन किस्में हैं, एक वाहिद जिससे एक के बारे में मालूम हो, हमने कहा तस्निया जिससे दो के बारे में मालूम हो, और हमने कहा जमा यानी जिससे दो से ज़्यादा के बारे में मालूम हो। अब आगे चलते हैं, कहते हैं जेंडर के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं। तो जेंडर के एतबार से इंग्लिश में तो चार किस्में हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या, अरबी में क्या है, सिर्फ दो किस्में, या तो मुज़क्कर या तो मुअन्नस, या तो मुज़क्कर या तो मुअन्नस। मुज़क्कर यानी जिससे मर्द के बारे में समझा जाए, है ना, और मुअन्नस जिससे मुअन्नस के बारे में यानी ख़वातीन के बारे में समझा जाए। एक है मैस्कुलिन जेंडर और एक है फेमिनिन जेंडर। मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन जेंडर और मुअन्नस यानी फेमिनिन जेंडर। तो इतनी बात समझ आई जी, उमर से बताएंगे, है ना, चार तो है ना, ये दो तो हो गया, उसके बाद कॉमन जेंडर यानी जो कॉमन हो गया, एक न्यूट्रल जेंडर हो गया, तो वहाँ पे तो चार हैं लेकिन अरबी में सिर्फ दो हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो अभी ससरी बता रहा हूँ, कोई बात अगर समझ में ना आती हो ना, तो बार बार गुजारिश यही है कि पूछेंगे तो अच्छा लगेगा और आपके लिए भी बेहतर होगा, जिसको भी समझ में ना आए वो पूछ लिया करें, मुज़क्कर हैं कि मुअन्नस, ये कैसे समझेंगे। तो इसके लिए जब मुज़क्कर और मुअन्नस की गुफ्तगू होगी तो वहाँ पर हम आपको बता देंगे, लेकिन आपने पूछ लिया है तो उसको मुअल्लक ना करके वो सरसरी बता देता हूँ सिर्फ, बाकी जब वहाँ बहस आएगी ना, अब चूँकि शुरू किया हूँ एकदम से इब्तदा से नए लोग के का एतबार करते हुए, तो कहते हैं कि जो मुख्तसर चीज़ें हों, है ना, आदमी कहते हैं कि अपोज़िट से आदमी समझ जाता है बहुत सारी चीज़ें। दो चीज़ें हैं, दोनों में से एक के बारे में अगर हम बता दें तो आदमी दूसरा समझ जाता है। किसी स्कूल में, किसी मदरसे में अगर हमने बता दिया कि तलबा और तालिबात की तादाद 400 है, है ना, लड़कों की तादाद और लड़कियों की तादाद 400 है, ये हमने बता दिया। अब सामने वाले को मज़ीद सवाल करना था, अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट 400 हैं, लेकिन 400 में से कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, अभी उसको ये भी पूछना था। खैर ठीक है, उसने पूछ लिया, उसने जब पूछा कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, तो हमने बता दिया कि लड़कों की तादाद 250 है। एक हमने बता दिया लड़कों की तादाद 250 है, तो अब क्या ये ज़रूरत बाकी बची है कि 150 कहूँ लड़कियां हैं? नहीं,
400 में से मैंने एक के बारे में क्लियर कर दिया, दूसरा सामने वाला खुद समझ रहा है, ना उसे पूछने की ज़रूरत है ना ही मुझे बताने की ज़रूरत है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, दो लड़के आपस में लड़ गए, कुश्ती कर ली दो लड़कों ने, है ना, चलो कुश्ती मत कराओ, है ना, मुकाबला कर लिया दो लड़कों ने किसी भी चीज़ में, दो बच्चों ने मुकाबला किया, दो बच्चों ने दौड़ में मुकाबला किया, है ना, एक का नाम करीम एक का नाम रहीम। अगर मैंने बता दिया कि करीम जीत गया तो रहीम के बारे में पूछने की बेवकूफ़ी कोई करेगा कि रहीम क्या बना, कोई नहीं पूछेगा, मुकाबले में दो ही बच्चे थे ना। तो जब दो ही बच्चे मुकाबले में थे, एक के बारे में हमने बता दिया कि करीम जीत गया, तो रहीम के बारे में पूछने के लिए कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है ये जीता तो ये तो हारा ही है, पूछने क्या बात है, है ना। ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा जहन में आने के लिए। अब जितने भी नाउन हैं वो सब मिक्स हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस सब मिक्स हैं, जितने भी डिक्शनरी में जितने नाउन लिखे हुए हैं या जितने भी नाउन अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे नाउन फ़िलहाल मिक्स हैं। अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं इसमें मुज़क्कर कौन सा है मुअन्नस कौन सा है, है ना। जो मुख्तसर वाला है उसको हम अगर बता दें कि ऐसा ऐसा अगर है तो ये मुअन्नस है, तो गोया ऐसा नहीं है तो मुज़क्कर होगा, है ना, ये ऐसा है तो मुअन्नस, ऐसा नहीं है तो ये मुज़क्कर हो गया। तो एक के बारे में हमने बता दिया, दूसरे के बारे में हम खुद समझ जाते हैं। अरबी में एक मकूला है, कहावत है अरबी में, तो रफुल अशियाउ बि अज़दादिहा, चीज़ें अपने अपोजिट से समझी जाती हैं, चीज़ें या बातें अपने अपोजिट से समझी जाती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये दिन है, दिन है ना, ये दिन है, मगरिब की अज़ान होते होते ऐसा नहीं रहेगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अब दिन नहीं रहा, है ना, मगरिब की अज़ान होते होते आप समझ जाएंगे कि जो हमको दिन बताया गया था तो उसमें तो उजाला था, तो वो तो दिन था, लेकिन अब अंधेरा छा रहा है, इसका मतलब कि अब दिन नहीं रहा, अब वो रात हो चुकी है। तो एक के बारे में बता दिया, दूसरे के बारे में आप खुद समझ जाएंगे। तो एक के बारे में क्या बताना है, नंबर एक, किसी इस्म के आखिर में अगर गोलता है, गोलता ये अलामत में से हैं, अलामतें भी है ना, एक लफ्जी हैं और एक मानवी हैं। पहले सुन लें फिर अगर लिखना होगा फिर रिपीट कर दूंगा। तो मैंने कहा कि लुगत में या अरबी ज़ुबान में जितने भी नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं वो सब के सब एक ही झोली में रखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं अलामतें कि ये और ये अलामतें हैं, इन अलामतों के बेस पर आप मुअन्नस को यानी फेमिनिन जो रहे जेंडर उसको आप निकालते जाओ, पूरे झोले में से आपने जितने भी मुअन्नस थे उसको आपने निकाल लिया, बाकी देख रहे हैं जितने भी हैं वो इन पहचान पे फिट नहीं हो रहे हैं तो उनको आपने छोड़ दिया। गोया जितने आपने अलामतों की रोशनी में निकाल लिया वो सब के सब मुअन्नस, और जो बाकी बचे हैं उनके लिए किसी अलामत की ज़रूरत है ही नहीं। अलामत एक के बारे में बता दिया, वो आपने समझ लिया, हमने एक बच्चे की जीत के बारे में बता दिया, दूसरे बच्चे की हार का फैसला आपने खुद कर लिया है, है ना, एक हमने बताया दूसरा आप खुद ही समझ गए हैं। तो अब क्या क्या अलामतें हैं कि जिससे हम समझ पाएँ कि ये मुअन्नस है, इतना सिर्फ जान लेना हमारे लिए काफ़ी हो जाएगा, है ना, क्या क्या अलामतें हैं कि जिन अलामतों की रोशनी में जिन अलामतों की बेस पर हम फैसला कर पाएँ कि जिसको झोली में से निकाले हैं इसको झोली में वापस डाल दें कि साइड में रखें मुअन्नस सही है ना। उन अलामतों में से जो अलामतें हैं वो दो तरह की अलामतें हैं, एक लफ्जी अलामतें और एक मानवीय अलामतें। लफ्जी अलामतें और मानवीय अलामतें, ये अगर ना समझ पाए हों तो इसको बताऊं। लफ्जी अलामतें, अलामत के माने क्या होते हैं, निशानी पहचान,
हमने कहा लफ्जी अलामत मतलब वो अलामत जो उसी लफ्ज में मौजूद है, उसमें से एक क्या है, गोलता। किसी इस्म के आखिर में गोलता हो वो समझ जाओ कि आप वो मुअन्नस है। जैसे हमने कहा कुर्रासतुन, काफ रा अलिफ सीन और आखिर में गोलता है, कुर्रासतुन। अब इतना बताने के बाद मेरे ख्याल से अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुअन्नस है कि मुज़क्कर। आप खुद ही समझ चुके होंगे कि अलामत बता दी गई है कि जिस इस्म के आखिर में गोलता हो उसको झोली में से निकाल करके मुअन्नस मान करके उसको साइड में कर दो, है ना। एक आपने गोया समझ लिया। दूसरी अलामत क्या है, लफ्जी इस्म के आखिर में अलिफ मकसूरा हो। अब तीसरी अलामत भी बता करके फिर दोनों की वजाहत करता हूँ, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। इसलिए एक अलामत क्या है, पहली अलामत गोलता, दूसरी अलामत अलिफ मकसूरा हो, तीसरी अलामत अलिफ ममदूदा हो, अलिफ ममदूदा। अब चूंकि दोनों अलिफ है इसलिए मैंने दोनों का नाम पहले करके अब बताना शुरू किया है। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं, अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं। अलिफ मकसूरा कसीरुन के माने होते हैं, कसीरुन, कसीरुन के माने नाटा, जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं अरबी में। कसीरुन काफ स्वाद या अर्रा, कसीरुन के माने नाटा, छोटा नहीं कहेंगे क्योंकि छोटे के लिए हम क्या बोलेंगे, सगीरुन। जैसे हम बोलते हैं शॉर्ट और क्या बोलते हैं, स्मॉल बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं वो नाटे को। हाँ, तो मुख्तसर जो रहता है, छोटा जो रहता है वो अलिफ की जो मुख्तसर की गई हो, जैसे सुगरा, सुगरा स्वाद गैन रा और या के ऊपर एक छोटी सी अलिफ, या के ऊपर छोटी से अलिफ, इसको बोलते हैं, इस अलिफ को बोलते हैं अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा। जिस इस्म के आखिर में ये अलिफ मौजूद हो, अलिफ मकसूरा, समझ जाए कि वो इस्म मुअन्नस है। अब हमने झोले में सुगरा डाल दिया था, आप उसको निकाले तो देख रहे हैं कि आखिर में यह है, उसके ऊपर एक छोटी सी अलिफ है, तो अब क्या करेंगे, उसको उठा करके मुअन्नस वाली थैली में डाल देंगे, अलग कर देंगे उसको आप, क्योंकि अलामत आपको मालूम हो चुकी है और अलामत दो मालूम हो चुकी है आपको, इस्म के आखिर में गोलता होना, इस्म के आखिर में अलिफ मकसूरा होना। इन दोनों अलामतों की रोशनी में इस तरह के जितने भी इस्म आएंगे आप निकाल निकाल करके साइड में करते जाएंगे कि भाई ये तो मुअन्नस है, है ना, अभी तो मुज़क्कर मुअन्नस सब मिक्स है ना। इसके बाद तीसरी अलामत जो लफ्जी है, अभी लफ्जी की बात कर रहा हूँ, यानी जो लफ्जन अलामत मौजूद है वो लफ्जी अलामत। तीसरी अलामत इस्म के आखिर में अलिफ ममदूदा हो, ममदूदा। मद्दुन मीम दाल, मद्दुन के माने होते हैं खींचना, आप कुरान में नूरानी कायदा में पढ़े होंगे ना मद, तो वहाँ आप ज़रा खींचते नहीं हैं, तो ऐसे मद्दुन के माने होते हैं खींचना। वो अलिफ कि जिसको हम खींच करके पढ़ें, है ना, जैसे हम बोलेंगे हसनाऊ, अलिफ है उसको हमने ज़रा खींच के पढ़ दिया। अब गोया कि तीन अलामतें हमारे पास हो चुकी हैं, इस्म के आखिर में अगर गोलता हो, इस्म के आखिर में अगर अलिफ मकसूरा हो, इस्म के आखिर में अगर अलिफ ममदूदा हो, ये तीन अलामतें ऐसी हैं कि जो हमको लफ्जन उस लफ्ज़ में दिखने वाली हैं, तो उस लफ्ज़ में वो अलामतें दिखने वाली हैं, उनको देख देख करके हम साइड में करते जाएंगे कि ये मुअन्नस है। अभी हमने सिर्फ लफ्जी बताया है ना। अब उसके बाद मानवी भी है कि जो माने के एतबार से है, जैसे जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े जोड़े हों। मैंने अभी बताया कि अभी जो मैं बता रहा था वो सिर्फ इसको लेके चल रहा था कि थोड़ा जल्दी समझ में आने वाला।
आप चूंकि ब्लैक बोर्ड पे है तो उसको ऐसे ही समझें। तानिश की जो अलामत हैं, तानिश की जो किस्में हैं, मोनस की किस्में। अब देखिए यहाँ पर मुजक्कर भी हैं और मोनस भी हैं। सिर्फ मैं गुफ्तगू करूंगा मोनस के बारे में। मोनस हम कैसे समझ पाएंगे कि इस जोली में जितने भी नाउन हैं, जितने भी इस्म हैं, वो इस्म मुजक्कर हैं कि मोनस हैं, कैसे समझेंगे? तो मैंने बताया कि जहां मामला दो का हो, तीन का नहीं कहूंगा, दो का, तीन का कहूंगा तो एक के बारे में बताऊंगा तो फिर आपसे सवाल करेगा कि फिर उन दोनों में कौन, एक जीता है तो कहेंगे फिर उन दोनों में कौन हारा, है ना? तो जब मामला दो का हो, दो के बीच का हो, एक के बारे में हमने बता दिया, इसके बारे में आपको समझ जाएंगे। मैंने बता दिया कि अगर ऐसा 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 रहे तो मोनस, तो गोया कि वैसा ना रहे तो मुजक्कर। अब सिर्फ इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में बताना ही नहीं है, इसके बारे में आप खुद ही समझ जाएंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो वो तो है ही। तो कहते हैं मोनस की कितनी किस्में है? मोनस की दो किस्में, एक कयासी और एक समाई। समाई वाला मुख्तसर है, उसको पहले समझ लें। समाई वाला यह है कि समहन के माने होता है सुनना। कयास यहाँ पर हम तौलते हैं, कुछ न कुछ है ना, बांट रख करके हम तौलते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि गोलता एक बांट है ना, तौलने का एक पैमाना है, वजन है। अब इस वजन के बराबर जो फिट होगा हम कहेंगे मोनस, है ना? हमने तराजू पर एक तरफ रख दिया, एक किलो का बांट रख दिया और सामान रखने के बाद देखे बराबर, तो समझ गए कि ये सामान एक किलो। ऐसे ही यहाँ पर हमको तौलने के लिए, समझने के लिए चीज़ें बताई जाएंगी। ऐसा ऐसा जा है तो कयासी है, उसको हम देख के समझ के परख के जान लेंगे कि मोनस है। यहाँ पर क्या है, सिमाई में हमको कोई अलामत नहीं बताई जाएगी और ना ही कोई अलामत है, बस अरब वालों से इसको हम मोनस इस्तेमाल करते हैं, हमने सुना है, इसलिए हम भी उसको मोनस इस्तेमाल करेंगे। अब मैं मिसाल देता हूँ, उर्दू में हम क्या बोलते हैं, जिसके आखिर में या हो या, वो मोनस है ना? ये आम जबान में है या आम फहम है, और है भी, हमने कहा बकरी तो आप पूछेंगे, लेकिन मुजक्कर की मोनस नहीं पूछेंगे, पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया ना आखिर में या है, बकरी। हमने कहा मुर्गी, आप नहीं पूछेंगे, आप समझ गए किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमने कह दिया हाथी, तो अगर उसी जाब्ते पे आप चलेंगे हाथी को भी लेकर के, हाथी है ना, हाथी दही घी, इस तरह के अल्फाज हैं कुछ, अगर वही पैमाना हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा गलत, है ना? हमको बताया गया है कि अगर आखिर में या रहे तो वो मोनस है ना? जैसे अभी मिसाल मैंने जो दी है, बकरी, मुर्गी, ऊँटनी, हमने सब मिसाल दिया, या को देख करके हमने समझ लिया, हमने सही भी समझा है कि ये मोनस है। लेकिन कहते हैं कि कुछ ऐसा भी हो जाता है, हर जुबान का मामला ये है कि कहीं पर भी किसी भी हाँ लेटर को, किसी भी हर्फ को साइलेंट बोल दिया, कैसे भी किया उसको साइलेंट, आपने कैसे कर लिया वो नहीं मालूम है ना, हमको नहीं मालूम। हम लोगों से, अहले ज़बान से ऐसे सुनते बोलते देखते आ रहे है ना। हम बोलते हैं कि खेशो अकारी बोलते हैं, खेशो अकारी लिखते ऐसा है, खेशो अकारी ऐसा लिखते हैं है ना, वाव के साथ में लिखते हैं, तो कहते हैं कि ये वाव किधर गया, इसकी क्या इसमें अहमियत है, बोले कुछ नहीं। कहते हैं वाव मौकूफ है, लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, क्यों भाई, नहीं मालूम हमको। हम उर्दू वालों से ऐसे बोलते हुए सुन रहे हैं बस, ऐसे ही इसका भी मामला है, आखिर में या मौजूद होते हुए भी इसको हम मोनस नहीं कहेंगे,
क्यों, इसको भाई हमारे पास कोई दलील नहीं है, लेकिन अहले ज़ुबान से, अहले उर्दू से इसे हम मोनस इस्तेमाल करते नहीं देखे हैं, जबकि ये आम कायदा ये है कि आखिर में क्या रहेगा वो मोनस।